नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष मैं लाइव हूं, और यह बिंदु है आपका यूपीएसआई और एएसआई के परिप्रेक्ष्य में जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी और साथ ही साथ टेररिज्म यानी आतंकवाद। तो आज मैं आपसे जो चर्चा करूंगा वह चर्चा करूंगा आंतरिक आपकी सुरक्षा के बारे में, इंटरनल सिक्योरिटी। आज वर्तमान दौर में अगर देखें तो आंतरिक सुरक्षा किसी भी देश का सबसे बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि किसी भी देश को जितनी बाहरी सुरक्षा की जरूरत होती है उससे ज्यादा आज आंतरिक सुरक्षा की जरूरत है, खासकर भारत जैसे देश में जहां विविधताओं का एक अंबार लगा हुआ है। हर एक वर्ग तमाम आपके भिन्न भिन्न अपनी योग्यताओं के आधार पर भिन्न भिन्न अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए देश में हमेशा उनको कई ऐसे होते हैं जो आपके किसी लोभ के कारण किसी अन्य कारणों से सरकार के खिलाफ एक विशेष समुदाय के खिलाफ आनी तमाम तरीके के उनके खिलाफ भावनाएं भड़काई जाती हैं। तो किसी भी देश में आंतरिक सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है। हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय दो आपके सरकार के ऐसे विभाग हैं जो आपके बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के मामलों में पूरी तरीके से निपटते हैं। गृह मंत्रालय की जब हम बात करते हैं तो गृह मंत्रालय खासकर भारत में आपके आंतरिक सुरक्षा के जितनी व्यवस्थाएं उन सभी को देखते हैं। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के राज्यों में हर राज्यों की अपनी पुलिस व्यवस्था भी है, जो कि लोक प्रशासन और जो आपकी पुलिस व्यवस्था, इसीलिए भारतीय संविधान की आपकी 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय बनाया गया है कि जितने भी आपके लोक व्यवस्था को काबिज रखने की जिम्मेदारी हो वो राज्य सरकारों पर हो, राज्य सरकारें अपने अनुसार उनके प्रदेश में कैसा माहौल है उस अनुसार कोई निर्णय ले सके, कोई वहां पर व्यवस्था अपनी अच्छी बना सके। जब हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी का आशय जो होता है देश की सीमाओं के भीतर, ठीक है, तमाम तरीके की आपके जो विभिन्न आपके अराजक तत्व होते हैं इनके द्वारा आपके धार्मिक उन्माद हों या अन्य कोई उन्माद हों, ठीक है, तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, इन सभी पर लगाम लगाना होता है जिससे कि आपके लोक व्यवस्था कायम रहे, लोक व्यवस्था बनी रहे और अन्य लोग उससे ज़्यादा प्रभावित ना हो सके। तमाम तरीके के दंगे होते रहते हैं, तमाम तरीके के प्रदर्शन होते हैं, उसमें हिंसा हो जाती है, ऐसे तमाम चीज़ें, तमाम खबरें हम देखने को अक्सर हमें आती रहती हैं। तो यह जो देश के अंदर आपकी व्यवस्थाएं होती हैं इन सभी के लिए आपके तमाम ऐसे जैसे आपके जो सेंट्रल के अंतर्गत केंद्रीय आपके पुलिस बल तमाम आते हैं, राज्यों की अपनी पुलिस सरकारें होती हैं, एनसीसी टेरिटोरियल आर्मी और तमाम तरीके के आपके जो है विभिन्न संगठनों का गठन किया गया है जिससे कि देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। देखो पहले क्या होता था, पहले जब आप देखेंगे जैसे अभी जो लगातार चीज़ें हमारी बढ़ चुकी हैं, हम इतने ज़्यादा साइंस वगैरह में इनोवेशन कर चुके हैं, तो आज की इंटरनल सिक्योरिटी और भी बड़ा चैलेंज हो चुकी है। आज इंटरनल सिक्योरिटी, पहले इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता था, जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं ब्रिटिश रूल के दौरान, उस समय इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब था कि भाई ये सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन कर रहा, ठीक है, कहीं पर आंदोलन हो रहा, इन सारी चीज़ों पर ही कंट्रोल करना। लेकिन आज जैसे जैसे इनोवेशंस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, नवीन खोजें आती जा रही, वैसे ही इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती जा रही है। आज आप देखिए नशीली दवाएं हो गई, नकली नोट हो गए, जो है लैंगिक आपका शोषण हो गया, मतलब देह व्यापार हो गया, तमाम तरीके की इतनी एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी हैं, आपके साइबर क्राइम्स हो चुके, ये सब भी आपके कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियों के तौर पर उभर रहे हैं। तो जब आपके लगातार इनोवेशंस बढ़ते जा रहे हैं तो जो आपकी तमाम तरीके की एक्टिविटीज़ हैं इन एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ावा भी देखने को मिल रहा है। इन पर लगाम लगाने के लिए जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल पूछे जाते हैं जैसे एनसीसी, एनएससी, ठीक है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इनके मुख्यालय से, इनके गठन से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए उन्हीं पर चर्चा करते हैं कि भारत देश में इंटरनल सिक्योरिटी पर काम करने के लिए किन किन आपके विभिन्न संगठनों का, किन किन आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन किया गया और उनका कार्य क्या होता है, उनकी स्थापना कब होती है, मुख्यालय कहाँ होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी मैंने बताया कि देश की अपनी सीमाओं के भीतर की सुरक्षा का अर्थ होता है उस देश की आंतरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा बहुत पुरानी शब्दावली, लेकिन समय के साथ इसके मायने बदलते रहे हैं। स्वतंत्रता से पूर्व जहां आंतरिक सुरक्षा के केंद्र में धरना प्रदर्शन, रैली, सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद थे, तो वहीं स्वतंत्रता के बाद विज्ञान एवं तकनीक की विकसित होती प्रणालियों ने
आंतरिक सुरक्षा को अधिक संवेदनशील और जटिल बना दिया है। अब पारंपरिक युद्ध के बजाय सद्म युद्ध के रूप में आंतरिक सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। तमाम तरीके की, जैसे दिल्ली में आप दंगा देखें, ठीक है, जो अभी हालिया दंगे हुए, तमाम तरीके के ऐसे दंगे होते हैं जो आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे पहले आप जम्मू कश्मीर में देखें, ठीक है, हर जगह पर कोई भी, जैसे लखीमपुर अभी कुछ दिन पहले ही आपका रहा, जहां पर तुरंत तत्काल प्रभाव से इंटरनेट और वगैरह सारी चीजें बंद करनी पड़ी, क्योंकि लोग अब आग बहुत तेजी से फैलाते हैं और इससे आपके जहां पर हिंसा हुई है वहां के लोग तो प्रभावित हुए, देश के अन्य जगहों पर भी आपके बहुत तेजी से हिंसा फैलने के डर होते हैं, खतरे होते हैं। तो ये चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इनोवेशन फायदेमंद भी है, वो हमारे लिए एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी हो चुके हैं। दोनों चीजें, दोनों मायने इसके सही मायने भी आपके हैं और गलत मायने दोनों भी हैं, और लोग गलत के इस्तेमाल की ओर ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि दिमाग नकारात्मक क्षेत्र में ज्यादा काम करता है, सकारात्मक में कम काम करता है। तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो हमारे पास कौन कौन से संगठन है और उनकी ये स्थापना कब की गई, मुख्यालय कहां पर है, इनके बारे में डिटेल में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। पहले एक नजर देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं। जैसे असम राइफल्स, असम राइफल्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1835 में की जाती है, मुख्यालय इसका शिलांग, देश का सबसे प्राचीन 1835 आप समझ सकते हैं सबसे प्राचीन आपका सुरक्षा बल हो गया, जब इसकी स्थापना कहां पर, शिलांग में की गई थी, पूर्वोत्तर के प्रहरी के तौर पर ये जाने जाते हैं। दूसरे जब सुरक्षा बल की बात करते हैं तो CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना 1939 में की गई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। तीसरे आते हैं होमगार्ड्स, होमगार्ड्स इनकी स्थापना 1946 में की गई और इनका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में आपका स्थापित होता है, हर एक राज्यों के पास अपनी होमगार्ड्स की पूरी यूनिट होती है। राष्ट्रीय कैडेट कोड यानी जिसको आप NCC के तौर पर जानते हैं, इसकी स्थापना 1948 में की गई और इनके भी मुख्यालय आपके विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाते हैं। प्रादेशिक सेना जिसको आप टेरिटोरियल आर्मी के तौर पर जानते हैं, इस आर्मी की स्थापना 1949 में की गई और इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में पड़ता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के तौर पर जिसे आप जानते हैं, इसकी स्थापना 1962 में की गई और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थापित है। सीमा सुरक्षा बल यानी जिसको आप SSB के तौर पर जानते हैं, इसकी स्थापना 1962 में और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली ही पड़ता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसको आप CISF के तौर पर जानते हैं, CISF की स्थापना 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही पड़ता है। फिर हम बात करते हैं तटरक्षा बलों की, तो तटरक्षा बलों की भूमिका आज तो बहुत बड़ी हो चुकी है। मुंबई हमला सारे लोगों को याद होगा, 1978 में इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में पड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स यानी NSG की स्थापना 1978 में होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आपका पड़ता है। ये तमाम तरीके के आपके ऐसे संगठन हैं जो देश में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत ज्यादा मददगार होते हैं। अब एक एक इसमें से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NCC नेशनल कैडेट कोर की, ठीक है। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 1948 में की गई थी और NCC का मुख्य उद्देश्य भारत की रक्षा के प्रति युवकों तथा युवतियों को जागरूक बनाना है। देश की रक्षा के लिए युवक और युवतियों को जो है, ये क्लास आपका 11, 12, 9th से ही शुरू हो जाता है, उनको NCC में बाकायदा ट्रेनिंग और तमाम चीज़ें दी जाती हैं जिससे उनमें देश को लेकर के, इनको सेना में जाने पर छूट भी दी जाती है, ठीक है। इनको यही हमारा एक लक्ष्य होता है कि ऐसे युवक युवतियाँ जो इसमें NCC के अंतर्गत ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, उन सभी के अंदर एक जज्बा बढ़ना, एक जज्बा जगाना कि देश की सुरक्षा के लिए वो अपने आप को आगे बढ़ाएं। इसका आदर्श वाक्य क्या होता है, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और ये जो NCC होती है ये अंतिम रक्षा पंक्ति के लिए तैयार रहती है, ठीक है। अंतिम रक्षा पंक्ति, सबसे लास्ट में इन्हें भी लगाया जा सकता है, युद्ध वगैरह के हालात जब हो जाएं तो NCC में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। 303 वहां पर भी मिलती है चलाने को, जो लोग किए होंगे उन्हें मालूम होगा, ठीक है। परेड वगैरह, सलामी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है, आर्मी का ऑफिसर ही आपका करता है सारी चीज। इसका मुख्यालय कहां पड़ता है, नई दिल्ली में स्थापित है। पंडित हेमवती कुंजरू की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित करने के लिए एक कैडेट संगठन की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम गवर्नर जनरल ने स्वीकार कर लिया और 15 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कोर अस्तित्व में आया था, ठीक है। ये NCC से। अब हम बात करते हैं टेरिटोरियल आर्मी की। टेरिटोरियल आर्मी जिसको हम प्रादेशिक सेना के तौर पर जानते हैं,
प्रादेशिक सेना में अगर हम बात करते हैं तो प्रादेशिक सेना भारतीय सेना की एक इकाई तथा सेवा है। इसका गठन रक्षा की द्वितीय पंक्ति के रूप में किया गया है। यह रक्षा की द्वितीय पंक्ति पर आती है, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। और इसमें 18 से 42 वर्ष की आयु के नौजवान नागरिक भर्ती किए जाते हैं। इन्हें पार्ट टाइम में सैनिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है, हथियार वगैरह चलाने का इनको ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। और आपात स्थिति में इस सेना को बुलाया जाता है, जब आपकी जरूरत पड़ जाए, युद्ध वगैरह आपके छिड़ जाए तो प्रादेशिक सेना को भी बुलाया जा सकता है, ठीक है। प्रादेशिक सेना को भी बुलाया जाता है क्योंकि इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है बाकायदा हथियार चलाने को लेकर के। टेरिटोरियल आर्मी के रूप में प्रसिद्ध इस सेना के जवानों को टेरियार्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरियार्स बोलते हैं। और भारतीय संविधान द्वारा सितंबर 1948 में पारित प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 के मुताबिक भारत में अक्टूबर 1949 को प्रादेशिक सेना स्थापित हुई। अगर आपसे पूछता है प्रादेशिक सेना की स्थापना कब हुई, तो प्रादेशिक सेना की स्थापना 1949 में की गई, लेकिन जो एक्ट आपका पारित किया गया था वह सितंबर 1948 में पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। अगर अधिनियम आपसे पूछे तो 1948, अगर स्थापना पूछेगा तब 1949 आप जवाब दीजिएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने 9 अक्टूबर 1949 को इंडियन टेरिटोरियल आर्मी का उद्घाटन किया था। 1949 में इनके द्वारा क्या किया गया? इंडियन टेरिटोरियल आर्मी का उद्घाटन किया गया था। अब हम बात करते हैं बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाता है और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को 25 बटालियनों के साथ की गई थी। 25 बटालियन उस समय 1 दिसंबर 1965 को इनको यूनाइट किया गया और इसकी स्थापना घोषित की गई थी। इसका प्रमुख कार्य क्या है? शत्रु सेना की घुसपैठ तथा सीमा उल्लंघन से अपने देश की सीमा को बचाना है, ठीक है। बहुत सारी घुसपैठ होती है तमाम तरीके की, जैसे इस समय तो म्यांमार वगैरह आपके बहुत बड़े चैलेंज बन चुके हैं। बांग्लादेश वगैरह में घुसपैठ आप देखिए तो बहुत ज्यादा जो है बढ़ चुके हैं, तो उन सारी चीजों से, ठीक है, जो अवैध घुसपैठ हो रही है, ठीक है, उन सभी चीजों की को रोकना और देखभाल करना ही इनकी प्रमुख जिम्मेदारी होती है। बीएसएफ पर भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा लगभग 6,386 किलोमीटर लंबी सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व है। आपसे सवाल पूछता है कि बीएसएफ किस जो है जगह की आपकी सुरक्षा करती है, तो ये सीमा सुरक्षा के अंतर्गत है और ये आपकी भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर लगी होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित। अब हम बात करते हैं असम राइफल्स, देश के सबसे पुराने बल की। असम राइफल्स की जो जिम्मेदारी है, पूर्वोत्तर में भारत म्यांमार सीमा पर और भारत चीन सीमा की सुरक्षा असम राइफल्स द्वारा की जाती है। देश के इस प्राचीनतम अर्धसैनिक बल की स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया था, ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीनतम आपका बल है और इसकी स्थापना कछार लेवी के नाम से की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। यह केंद्रीय सशस्त्र बल है जिसकी 46 बटालियन है और इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी कहा जाता है। यह प्रश्न आपका पूछा गया था कि किस आपके बल को पूर्वोत्तर का प्रहरी, और साथ ही साथ एक नाम और दिया जाता है, पर्वतीय लोगों का मित्र, ठीक है। दो उपनाम इसको दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। असम राइफल्स को इनका जो मोटो है, आदर्श वाक्य है, फ्रेंड्स ऑफ द पीपल, हिल पीपल एंड सेंटिनेल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इनका आपका मोटो होता है, आदर्श वाक्य होता है। असम राइफल्स का मुख्यालय शिलांग में स्थित है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की, एनएसजी के तौर पर आप जिन्हें जानते हैं। एनएसजी की अगर बात करें तो गृह मंत्रालय के द्वारा 7 केंद्रीय सशस्त्र बलों यानी सीए जो पीएफ है में इसे एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स या एनएसजी के कमांडो होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? आतंकवादियों का मुकाबला करने और 1984 के हाईजैक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए 1984 में संघीय आपात बल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स का गठन किया गया। एनएसजी यूके के एसएएस, यूनाइटेड किंगडम में एक आपका सुरक्षा बल है जिसको एसएएस के तौर पर जानते हैं, सास, और आपका जर्मनी में एक सुरक्षा बल है जिसको CSG9 के कमांडो के तौर पर जानते हैं। तो इनकी तर्ज पर भारत में आपके एनएसजी का गठन किया गया, इन्हीं के तर्ज पर भारत में एनएसजी का गठन किया गया है। एनएसजी के आपके जो कमांडो होते हैं हमेशा काला रंग के नकाब, काले कपड़े, काले रंग के ही अन्य जरूरत के सामानों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको ब्लैक कैंड कमांडो के तौर पर जाना जाता है। ब्लैक कैंड कमांडो इनको बोलते हैं। ये बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, बिना हथियार के भी ये 10 के पर भारी पड़ सकते हैं, इतना ज्यादा इनको ट्रेंड किया जाता है। मानसिक आपकी इनकी अगर
जो है मेहनत देखी जाए, मानसिक तौर पर इनकी प्रबलता देखी जाए, शारीरिक तौर पर अगर क्षमता देखी जाए, तो ये बिना हथियार के भी बहुत ज़्यादा घातक होते हैं एनएसजी कमांडोज। खासकर इनकी ट्रेनिंग आपकी सबसे ज़्यादा टफेस्ट मानी जाती है, सबसे ज़्यादा टफ अगर ट्रेनिंग मानी जाती है तो एनएसजी की ट्रेनिंग होती है। इसलिए एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। इसके दो समूह हैं, एक तो आपका सैग मिलता है और दूसरा एसआरजी मिलता है। सैग जो है स्पेशल एक्शन ग्रुप है, इसमें सैनिक कर्मचारी होते हैं, आर्मी के आपके यूनिट से अच्छे जवान ढूंढे जाते हैं और उनको कमांडो के तौर पर तैनात किया जाता है। जो एसआरजी होते हैं, एसआरजी में आपके राज्यों के पुलिस बल के भी आपके जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, इनको जगह दी जाती है एसआरजी में। एसएजी आपका स्पेशल एक्शन ग्रुप है और इनके कमांडोज बहुत हाईली ट्रेंड होते हैं, दोनों कमांडोज ट्रेंड किए जाते हैं, लेकिन एसएजी जो आपका स्पेशल संगठन है, इसके कमांडोज बहुत ज़्यादा आपके ट्रेंड होते हैं। ठीक है, ये बिना हथियार के भी आपके क्या कर सकते हैं, 10 पर भारी पड़ सकते हैं, इनमें इतनी ज़्यादा आपकी खूबियाँ होती हैं। इसके अलावा नीमच, मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर यानी तमिलनाडु और नांदेड़, महाराष्ट्र में भी सीआरपीएफ के 3 प्रशिक्षण कॉलेज हैं जहां अधीनस्थ अधिकारियों के लिए पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, एसएसबी की बात करते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा में लगे सशस्त्र सीमा बल का गठन 1963 में किया गया था। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में विश्वास पैदा करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना था। ठीक है, 1962 के बाद जैसे हालात हमारे उत्पन्न हुए थे, उन हालातों पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। एसएसबी 15 जनवरी 2021 से गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। ठीक है, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के दायरे में ही आपका आता है। वर्तमान में यह भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं पर कार्यरत एसएसबी, इससे पहले भारत चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा राजस्थान, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम की सीमाओं पर अपनी सेवा दे चुका है। अभी इस पर बवाल भी जो आपका एक बना हुआ था, ठीक है, वो बवाल क्या था कि गृह मंत्रालय के द्वारा एक आदेश जारी किया गया और सीमा जो आपके ये सीमा सुरक्षा बल है, पहले इनका जो दायरा होता था वो सीमा से लेकर के 10 किलोमीटर की एरिया तक का इनका इलाका होता था, लेकिन अभी क्या किया गया, 50 किलोमीटर एरिया दी गई है, जिस पर पश्चिम बंगाल सबसे पहले मुंह फाड़ के विरोध करने पर आ चुका है, तुल चुका है। ठीक है, और ऐसा ही इसलिए किया गया कि भविष्य में जैसे चीन के साथ हालात हैं, पाकिस्तान के साथ हालात हैं, चीन और पाकिस्तान के साथ अगर हालात ऐसे उत्पन्न हुए और मान लीजिए, ठीक है, कभी युद्ध के हालात आए, तो सेना को तत्काल तौर पर वहां पहुंचना, हर एक सुविधाएं देना, अगर उनके नियंत्रण के अधीन होगा वहां पर, उन पर कोई हमला ना हो जाए, ये सारी चीजें, क्योंकि आप बांग्लादेश मतलब पश्चिम बंगाल वगैरह में आप देख रहे हैं कि देश की आपके सुरक्षा व्यवस्था से कैसा खिलवाड़ किया जाता है, वहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा लोगों का एक तरीके से मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब आपका परिवर्तित होता जा रहा। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में हालात उत्पन्न किए गए थे अस्थिरता लाने के लिए, वैसे ही पश्चिम बंगाल जैसे आपके प्रदेशों में भी लगातार स्थितियाँ बदतर होती जा रही, तो वो 50 किलोमीटर का दायरा घोषित किया गया तो सारे लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया था। ध्यान रखिएगा, करेंट का आपका सवाल है। अब हम बात करते हैं ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसको हम लोग ITBP के तौर पर जानते हैं। इसका गठन चीन आक्रमण के बाद अक्टूबर 1962 को किया गया। ठीक है, और इसका गठन खुफिया, सिग्नल, पाइनियर, इंजीनियर, चिकित्सा और छापामार की एकीकृत जो है इकाई के रूप में किया गया और इसका नियंत्रण प्रारंभ में खुफिया ब्यूरो के हाथों में दिया गया था। 1975 में इसके कार्यक्षेत्र की पुनः व्याख्या की गई, जिसके तहत इस पर सीमा पार से घुसपैठ और अपराध को रोकने का उत्तरदायित्व सौंप दिया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष महानिदेशक होता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल होता है। ITBP का आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा। शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा इनका आदर्श वाक्य है, मोटो है। यह बल वर्तमान में मध्य और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की नोडल एजेंसी का दायित्व संभालने के साथ साथ कैलाश और मानसरोवर की जो आपकी यात्रा है इसके दौरान तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, संचार और स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, इस बल की आपकी जिम्मेदारी ये थी। तो प्रमुख बलों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इससे आगे आपको जो टॉपिक मिलेगा इसके PDF आपको परीक्षा प्लस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जितने भी अन्य इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं जो करंट स्पेशल्स हैं उन सभी के वीडियोज आप सभी को मिलेंगे धीरे धीरे करके। चैनल सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़े। आगे फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।